गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस मैम, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, तो तुम लोग जाओ अपने काम पे लग जाओ। जिनके इतना बोलते है सभी मेट्स अपने अपने काम पर लग जाती है। मॉम, ये सुबह से क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ बहुत जोरों शोरों से किसी की तैयारी चल रही है। आज कोई पार्टी वार्टी है क्या? और आपने मुझे बुलाया था, क्यों? हाँ बेटा, पार्टी तो है, बहुत ही ग्रैंड पार्टी है, शाम को होगी तो पता चल जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम जाकर डेकोरेशन का काम देख लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे इस पार्टी में कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो जाओ बेटा, तुम बाकी का काम देख लो। हाँ वो सब तो ठीक है मॉम, मैं देख लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बताइए ना कि पार्टी किस बात पर है। मेरा कहने का मतलब ये, अभी हाल ही में एक पार्टी हुई थी, और फिर ये पार्टी किस बात की? बेटा जब शाम होगी तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, वो एक सीक्रेट है, जब शाम होगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मैं भी नहीं बताने वाली। तुमसे जितना कहा तुम उतना करो, जाकर काम देखो। क्या? ठीक है मॉम, मैं अभी आती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाली, मुझे पता है अगर तुम्हें अभी पता चला ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए मैं तुम्हें शाम को ही बताऊंगी डायरेक्ट। जी आप शाम को जल्दी आ जाएंगे घर? वो क्या है ना, मॉम ने हमें पार्टी में बुलाया है, तो आज शाम को हमें पार्टी में जाना होगा, तो प्लीज आप जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाइएगा। क्या पार्टी है? लेकिन किस बात की? मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जल्दी से पार्टी हुई थी सक्सेस के लिए, लेकिन अब किस बात की है? वो एक्चुअली मॉम ने बताया कि जिमिन और जंगू की एंगेजमेंट होगी, उसी की पार्टी है। क्या एंगेजमेंट? ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन जो हुआ मुझे लगा कि शायद जंगू उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन जंगू तो देखो शादी के लिए मान गया, सच में वो बहुत अच्छा है। हाँ जी हो, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भाई बहुत अच्छा है। लेकिन जी हो, आपको अब तो पता चल ही गया कि किस बात की पार्टी है, तो क्या आप शाम को जल्दी वापस आ जाएंगे? वो क्या है ना, जाना जरूरी है वरना मॉम नाराज हो जाएंगी। ये सब कॉस वायन, एक काम करो तुम और तेज शाम को रेडी रहना, मैं ऑफिस से आऊंगा फिर हम तुरंत चलेंगे। ठीक है? ठीक है, ऐसे ही करते हैं, आप जल्दी से शाम को आ जाइएगा, हम दोनों रेडी रहेंगे। टाइम तो मुझे निकलना होगा, वो क्या है ना कि ऑफिस में लेट हो रहा हूँ, और शाम को जल्दी भी वापस आना है, तो जल्दी मुझे काम भी खत्म करना होगा। ठीक है, वाइन में चलता हूँ। ठीक है जरूर। अब तुम्हें क्या हो गया, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हुई हो, बताओ? ओ तो आपको अब दिखा है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता क्योंकि कोई मुझे फील करने ही नहीं दे रहा है। क्या ये सब क्या बोले जा रही हो, क्या बक रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें क्यों समझ में आएगा, तुम कहाँ घर में रुकते हो, तुम्हें कुछ पता होगा कि घर में क्या हो रहा है। अब क्या हो गया घर में, तुम हमेशा इसी टेंशन में क्यों लगी रहती हो कि क्या होता है? हाँ मुझे लगी रहती टेंशन, क्योंकि तुम्हें तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम्हें पता है घर में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी हो रही है, लेकिन वो पार्टी किस लिए हो रही है कोई मुझे बता ही नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है क्या कि शाम को क्या होने वाला है जिस वजह से इतनी ग्रैंड पार्टी है? नहीं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं अभी बाहर से घर आया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किस वजह से पार्टी हो रही है। अब इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, ऑफ कोर्स न्यू ईयर की पार्टी होगी, और कौन सी पार्टी होगी? नहीं न्यू ईयर की पार्टी तो नहीं लगती, अगर वो पार्टी होती तो मॉम मुझे बता देती कि न्यू ईयर की पार्टी है, उसमें छिपाने वाली क्या बात थी, बात कुछ और ही है, तभी मॉम मुझे नहीं बता रही है, इनफैक्ट कोई भी मुझे नहीं बता रहा है। इट्स ओके, अभी नहीं पता ना, तो एक काम करो, शाम को जब पार्टी होगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस वजह से पार्टी है, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो छोड़ो, तुमसे पूछने ही बेकार है, जाओ अपना काम करो। ओके फाइन, वैसे भी मैं बाहर ही जा रहा था, मुझे बाहर कुछ काम है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ चले भी गए, इन्होंने आज मेरी पहली बार पूरी बात नहीं सुनी है। यार चाहते क्या है, हम इस साइड उधर घूमते रहते हैं, कुछ काम वाम तो रहता नहीं है बस, और घर का कभी पता कुछ नहीं कर पाते कि घर में क्या चल रहा है। उसको देख कर तेरी नियत फिसल गई, तभी तो जब मैं उसे अपने ऑफिस में काम करने के लिए
दोबारा जल रही थी, तभी मुझे शक हो गया था तुझ पर, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये सब क्या बोले जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सच में उसे इतना पसंद नहीं करता, लेकिन जब मॉम कह रही है तो मॉम की तो बात माननी पड़ेगी ना। तो सच क्यों नहीं बोलता कि तुम मुझे जलता है और मेरी खुशी तो तुझसे बर्दाश्त होती नहीं है। मुझे पता है कि मुझे वो पसंद किया, तभी तो मैंने उसे अपने ऑफिस में आने को कहा था ताकि ये धीरे धीरे बात बढ़ेगी, लेकिन तूने तो वहीं से खत्म कर दिया। और खत्म करना तो दूर की बात, तू तो उसी से शादी करने चला है। वाह क्या दोस्ती निभाई है तूने, क्या सच में ऐसी बात थी, तू सच में उसे पसंद करता था? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने तो शादी की प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन तूने वहीं से सब ठप्पा लगा दिया। ओह वाओ, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्या इसका मतलब तूने पक्का जानबूझकर ही किया है ना? अब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन अनजाने में हो गया, और जो हो गया तो वो हो गया। अब मुझे पता है कि तू उसे पसंद करता है, तो ये और भी अच्छी बात हुई। अच्छा ये सब छोड़, आज शाम को मेरी एंगेजमेंट है तो आना जरूर। वाह मतलब मैं जिससे प्यार करता था उससे शादी करने वाला, और तू चाहता कि मैं तेरी एंगेजमेंट में आऊं और तुम दोनों के साथ में एंगेजमेंट देखूं। वाह क्या दोस्ती है, जले पे कैसे नमक छिड़कते हैं, कोई तुझसे सीखे। मैं नमक के साथ साथ बहुत कुछ छिड़कता हूँ, तो शाम को आएगा ना, मैं तेरा वेट करूंगा, मैं तेरे बिना एंगेजमेंट नहीं करूंगा। क्या सच में, तो फिर पक्का मैं नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तो मेरे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो छुपा लो तुम पनाहों में, के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, के डर है मैं। हाय शुगा कैसे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो सच में। अच्छा इसका मतलब मैं रोज नहीं लगती हूँ, सिर्फ आज लग रही हूँ। नहीं मैं कहने का वो मतलब नहीं था, रोज भी तो अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू, वैसे आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच, चलो आओ पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके बाद ऐसे ही सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। जग बेटा एंगेजमेंट का वक्त हो गया, जाकर जिमिन को बुला लो, देखो वो रेडी हो गई होगी, जाकर उसे ले आओ बेटा। क्या मैं जाऊँ, मॉम किसी को भी भेज दीजिए, मुझे जाना जरूरी है क्या? नहीं मैं किसी और को नहीं भेजने वाली, सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, और तू एक फ्री खड़ा हुआ है, जाकर उसे ले आना, वैसे भी एंगेजमेंट तेरे साथ होने वाली है, किसी और के साथ नहीं। गॉड मॉम ओके फाइन जा रहा हूँ। इतना बोलकर जैनकुक जिमिन के रूम में उसे बुलाने के लिए जाता है। सुनो तुम रेडी हो गए क्या, क्योंकि मॉम बुला रही है। हाँ मैं रेडी हूँ तो चले। ठीक है वो मॉम तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी, सारे गेस्ट आ चुके हैं, सो एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, चलो टाइम तो हो गया है, इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी कोई मुझे बुलाने आए तब मैं जाऊँ। सुनो तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, याद है ना कि तुमने क्या कहा था, ये एंगेजमेंट बस एक नकली एंगेजमेंट है, याद है ना तुम्हें, तो इसे असली समझने की गलती भी मत करना, और जल्द से जल्द मॉम डैड से बात करना। हाँ मुझे पता है मैं इतनी जल्दी नहीं भूलने वाली, मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए चले। हाँ ठीक है तो फिर चलो। मेरा फैसला बिल्कुल सही था, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मॉम ये क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं, और वो भी ऐसे, क्योंकि
कि बेटा आज जांगकुक और चमन के एंगेजमेंट है तो साथ में ही आएंगे ना। क्या एंगेजमेंट? हाँ एंगेजमेंट, तो तुम गेस्ट को देखो, मैं इन दोनों का वेलकम करती हूँ, मुझे एंगेजमेंट भी तो करवानी है ना, तो मैं चलती हूँ। तुम आज बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे मॉम ये मीडिया यहाँ पर क्यों आई है, इनका क्या काम था? तुम भी ना, तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हो रही है, जॉन जंकू के साथ तो मीडिया नहीं आएगी तो कौन आएगा? क्या पर इसकी क्या जरूरत थी मॉम, मुझे लगा कि बस गेस्ट ही रहेंगे और फैमिली मेंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मीडिया है, प्रेस है, इतने सारे लोग हैं, मुझे घबराहट हो रही है। तुम भी ना बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। देखो शादी में तो और भी मीडिया आएगी, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, मैं जब तक की एंगेजमेंट की कुछ तैयारी देख लेती हूँ। गॉड, मीडिया और प्रेस घबराने की क्या जरूरत थी, तुम मना कर सकते थे ना, तुमने क्यों नहीं किया? अब इसमें मैं क्या करता, हर पार्टी में मीडिया और प्रेस आते हैं तो इस बार भी आएंगे, उसमें क्या कॉमन है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लोग नहीं होते तो अगर मैं शादी से मना करती तो मॉम डैड की कुछ इंसल्ट भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया जान जाएगी हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, उसके बाद अगर ये एंगेजमेंट टूटती है तो मॉम डैड की कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। अब हम क्या करें, तो मैं मना कर देना चाहिए था। देखो मुझे ऐसा नहीं पता, तुम्हें मना करना है तो करना है। एक सेकंड, कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल रहा है ये मीडिया देखकर? अगर तुम ऐसा करने के बारे में सोच रही हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें मना करना होगा, करना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। इसे देख रहे हो तुम, तुम्हारे मॉम डैड की इंसल्ट होगी और तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब। मुझे इस वक्त किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी फिक्र है। और हाँ, तुम ये सब देख कर अपना डिसीजन बदलना मत, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। नहीं, शादी तो मुझे भी तुमसे नहीं करनी है, मना तो करना ही होगा, लेकिन बस मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से मॉम डैड की बहुत इंसल्ट होगी। जंकुक और जिमन बेटा चलो, अब एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो चलो स्टेज पर। कांग्रेचुलेशन विन मत कहें। अब
असली हो या नकली, एंगेजमेंट तो हो गई ना, तुझे तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। अब बाकी तो बाद में देखेंगे।